में 2 बिलियन से भी ज्यादा टी शर्ट बिकते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, 2 अरब से भी ज्यादा, यानी 200 करोड़ टी शर्ट। अरे बाप रे, कंपटीशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है ना कि हर कंपनी क्लेम करती है कि मेरा टी शर्ट अच्छा, मेरा टी शर्ट अच्छा। हमने क्या किया कि ज़ारा, H&M, यूनिक्लो, लाकोस्ट और अपनी इंडिया की स्पेशल ब्रांड की टी शर्ट मंगा ली है, तो हम देखेंगे कि इन सारे ब्रांड्स के हाईएस्ट प्राइस की टी शर्ट एक्चुअल में कितनी अच्छी होती है और वर्थफुल होती है कि नहीं। ऑलराइट, पहला टी शर्ट आ गया हमारे पास में, जो कि इस पूरे हॉल का सबसे महंगा टी शर्ट है, सबसे एक्सपेंसिव ब्रांड। ब्रांड का नाम है लाकोस्टे। लाकोस्टे का आपको टैग मिल जाएगा। फटाफट टी शर्ट को खोलते हैं और भाई ऐसे सिंपल सी पैकेजिंग मिलती है जैसे हमारे यहाँ नहीं होती है। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। एंड जस्ट लुक एट दिस। ओ भाई मगरमच्छ ग्रीन कलर की पट्टी मिलती है जो की बेसिकली इसलिए होती है ताकि आपके नेक को यहाँ पर आराम लगे। फैब्रिक अगर क्वालिटी की बात करें ना तो जस्ट लाइक एकदम कॉटन का फैब्रिक लग रहा है। थोड़ा सा कहे ना तो थोड़ा सा प्रीमियम जैसा फील होता है, कुछ ऐसा भयंकर नहीं है। और अंदर में भी बस यही लिखा हुआ है 100% कॉटन, ना आगे कुछ ना पीछे कुछ। अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर इसकी प्राइसिंग लिखी हुई है 4,750 रुपए, ऑलमोस्ट 5,000 रुपए जस्ट फॉर अ टी शर्ट। भाई क्यों? क्योंकि ये डिजाइनर है। डिजाइनिंग क्या है तो वहाँ अलग अलग कलर के। ओवरऑल पहन के मैं कैसा लग रहा हूँ ये सारी चीजें आप पीछे देख लो। डेफिनेटली थोड़ा सा कंफर्टेबल तो है लेकिन उतना वर्थ इट नहीं है ना कि 4,000 रुपए 5,000 रुपए दे दे, टू बी ऑनेस्ट। फिर भी अगर कितने में मिल रहा है ये आपको देखना है, लिंक में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए हमारे सामने कोई 4-5 हज़ार नहीं चलेगा, समझे ना। हमारे पास में ब्रांड का नाम है ज़ारा और ये ज़ारा पे मिल रहा सबसे महंगा बेसिक टी शर्ट है। देखो ऐसे 3, 5, 6 वाले प्रिंट वाले टी शर्ट भी मिलते हैं लेकिन हमने बेसिक खरीदा ताकि एग्जैक्ट क्वालिटी हम गेस कर पाए। यहाँ पर आपको ज़ारा का टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है 1990। फिर भी अभी तक तो ठीक है भाई, 2,000 रुपए चलो ज़ारा के हिसाब से 4,000 नहीं है। एंड यस, फैब्रिक की क्वालिटी ना पहली नजर में थोड़ी सी हैवी फील हो रही है। राउंड नेक, शॉर्ट स्लीव, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ये टी शर्ट ओवर साइज फिटिंग के साथ आता है। अंदर में आपको ज़ारा का टैग मिल जाएगा, मेड इन बांग्लादेश यहाँ पर लिखा हुआ है जो की बहुत अच्छी बात है क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमेजिंग फैब्रिक्स ना बांग्लादेश में बनते हैं। कलर की बात करें जैसा आप देख सकते हो पिंक कलर का पूरा टी शर्ट और ये पिंक पहनने के बाद भी ना उतना बुरा नहीं लगता। टी शर्ट में और आपको कुछ नहीं मिलता है, बस लेफ्ट बॉटम एंड पे ना आपको छोटा सा एम्ब्रॉयडरी डिजाइन किया गया है जहाँ पर लिखा हुआ है TCS P2। और इस पूरे टी शर्ट के बैक में आपको कुछ नहीं मिलता, बस ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा टेक्सटोग्राफी डिजाइन मिल जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है द कलेक्टर सीजन पार्ट 2। मे बी ये कोई सीरीज वीरीज के थ्रू बनाया गया होगा, कुछ भी हो सकता है। फैब्रिक की अगर क्वालिटी की बात करें ना, डेफिनेटली बहुत ज्यादा थिक हैवी फैब्रिक यूज हो रहा है और इनके टाइटल में भी ये चीज लिखी हुई थी कि हैवी फैब्रिक, ऐसा करके ये भी 100% कॉटन से बना हुआ है। एक और यूनिक चीज क्या लगी मुझे कि जनरली टी शर्ट यहाँ से स्टिच्ड होते हैं और इधर उधर से स्टिच्ड होते हैं, ये बैक के साइड में ना पीछे से पूरा लंबा लंबा स्टिचिंग इसका किया गया है जो कि दिखता भी है। हालांकि आपको बता दूं कि हमने 1990 नहीं बल्कि 1200 रुपए के आसपास इस टी शर्ट के लिए पे किए थे क्योंकि सेल के समय की प्राइसिंग थी, टोटली वर्थ इट लगी। ऑलराइट, नेक्स्ट टी शर्ट आ गया हमारे पास में। बहुत सारे लोग यूनिक्लो के टी शर्ट की डिमांड कर रहे थे, हम लेके आएंगे हॉल एकदम पूरा मस्त वाला। पहली बार मैं यूनिक्लो का टी शर्ट एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और सबसे पहला एक्सपीरियंस खराब हो जाता है क्योंकि इन्होंने प्लास्टिक रैप दिया है। इतनी बड़ी कंपनी जो कि रिसाइकल मटेरियल, एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों की बात करती है ना, वो उसकी ऐसी पैकेजिंग होना शोभा नहीं देता। थू 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 थू। यूनिक्लो आपको टैग मिल जाएगा, प्राइसिंग यहाँ पे लिखी हुई है जस्ट 1490 रुपए। प्राइसिंग में एकदम मस्त कहूंगा, मस्त मस्त। बड़ा टी शर्ट निकालते, अंदर में आपको पेपर मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टी शर्ट के कलर की बात करिए ना, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है कलर। राउंड नेक आपको मिल जाएगा, शॉर्ट स्लीव मिल जाएगा। ये एक ओवर साइज टी शर्ट है। यहाँ पर अगर फैब्रिक की क्वालिटी की बात करें ना, डेफिनेटली थोड़ा सा ना डिफरेंस मुझे फील हो रहा है, हल्का सा ना फैब्रिक स्ट्रेची है। और ये यूनिक्लो का ना अपना एक फैब्रिक है जिसका नाम होता है एयरसिम कॉटन करके, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अंदर में आपको यूनिक्लो का टैग मिल जाएगा और बगल में यू लिखा हुआ, ये हमने एल साइज लिया है, मेड इन वियतनाम है। कलर की बात करें तो कंपनी से कलर कोड करती है पर्पल, लेकिन थोड़ा समझ लो कि पर्पल का हल्का सा टेंट है, थोड़ा सा ग्रे टाइप का दिखता है मुझे टी शर्ट। इस फैब्रिक की खास बात क्या होती है ना कि ये बहुत ज्यादा पहनने में कंफर्टेबल, साथ ही ब्रीदेबल होता है। तो आप एग्जैक्ट फैब्रिक आप मुझे पहने में देख सकते हो, ये हमने लिया है एल साइज। पहनने में कैसा लग रहा है ये सारी चीजें अपने पीछे देख ली। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आ गया H&M का टी शर्ट हमारे पास में। वैसे याद दिला दूं, जो इंडियन ब्रांड का टी शर्ट हम आपको दिखाने वाले हैं ना, वो बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है। यहाँ पर आपको H&M का टैग मिल जाएगा, लिखा हुआ 100% इन कन्वर्जन कॉटन यूज हुआ है इसमें। और इतना सारा पुस्तक देने का क्या जरूरत है भाई, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। मैं कौन सा ऐसे कर रोड में बांटने वाला हूँ सबको, क्या पत्ती वत्ती खेलने वाला हूँ ऐसे करके। प्राइसिंग यहाँ पर 1299 रुपए। पहले टी शर्ट को देख
देखते हैं, उसके बाद प्राइस के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, जस्ट लुक एट दिस, एक और बहुत ज्यादा खूबसूरत ओवरसाइज टी-शर्ट, राउंडिंग मिलता है, सॉफ्ट फील मिलता है। कलर की बात करें, रॉयल ग्रीन टाइप का कलर इसमें यूज हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत एंड रिच लग रहा है। जैसे टी-शर्ट का यहीं पे खत्म हो जाता है भाई, ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। फैब्रिक की बात करें, पहले इसका कंपोजिशन चेक करते हैं। बांग्लादेश में बना हुआ फैब्रिक है, इसमें यूज हुआ है 100% कॉटन, बस यानी ये कॉटन का टी-शर्ट है। यहाँ पर मैंने ज़ारा का टी-शर्ट भी बगल में रख लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट बता पाऊँ कि कैसा लग रहा है। तो अगर फील करके बताऊँ ना, तो ऑलमोस्ट एकदम सेम जैसा ही फैब्रिक मुझे फील हो रहा है। हैवी साइड की बात करें तो थोड़ा सा ज़ारा जीतेगा, लेकिन ओवरऑल ना टी-शर्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन मैं इसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी कहूंगा, क्योंकि देखो 1300 रुपए के हिसाब से ज़ारा बहुत ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मैंने उसे 1300 में लिया है। H&M के लिए भी ना आपको 1300 ही पे करने पड़ेंगे, जो कि थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगा। अगर ये 800 के आसपास में मिल जाता ना, तो मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि थोड़ा सा ज़ारा का फैब्रिक हैवी है, और जितना फैब्रिक हैवी होता है ना, उतना पहनने में प्रीमियमनेस फील होता है। तो टी-शर्ट देखो दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं, प्राइस थोड़ा सा इसका महंगा है। ऑलराइट, नेक्स्ट एंड द लास्ट टी-शर्ट है हमारे पास में, एक और बहुत ही खूबसूरत ब्रांड, हमारे इंडिया का अपना ब्रांड, ब्रांड का नाम है ड्रीम आइलैंड। ये टी-शर्ट भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, 100% कॉटन से बना हुआ है, फैब्रिक बहुत ज्यादा मोटा है, राउंड नेक, शॉर्ट स्लीव, ओवरसाइज टी-शर्ट, सब कुछ सेम है। यहाँ पर अगर डिजाइनिंग की बात करें ना, तो इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी के थ्रू डिजाइनिंग मिलती है, कहीं भी आपको प्रिंट नहीं मिलता, इस ब्रांड की ये खास बात है। हालांकि आपको बता दूं कि दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनी ब्रांड, यहाँ पर आपको एम्ब्रॉयडरी के थ्रू बहुत सारे मल्टीपल शेप्स के बटरफ्लाईज देखने को मिल जाएंगे। ठीक सेंटर में आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी ड्रीम आइलैंड की। पीछे की तरफ देखोगे ना, तो यही आपको साइड में थोड़े से 3-4 बटरफ्लाईज बने हुए मिलते हैं। डिजाइनिंग यहाँ पर हम नहीं जज करने वाले, क्योंकि हमने अदर ब्रांड्स की डिजाइनिंग्स नहीं ली। अगर डिजाइनिंग की बात करते ना, ज़ारा आराम से जीत जाता। सही बात है। फैब्रिक पे अगर जज करें ना इसे, तो फैब्रिक डेफिनेटली बहुत ज्यादा अमेजिंग है, कंफर्टेबल है और प्रीमियम फील हो रहा है। एक चीज आप और नोटिस करोगे ना, कि जितने भी सारे टी-शर्ट्स हैं ना, सबकी नेक की जो छेद होती है ना, जहां से हमारा गर्दन ऐसे अगर घुसता है, वो ना थोड़ी छोटी मिलेगी सब में आपको। क्योंकि ओवरसाइज टी-शर्ट में ना क्या होता है, कि अगर नेक छोटा होता है ना, तो टी-शर्ट्स ना यहीं पे अटक जाती है, और एक ना बहुत खूबसूरत बॉक्सी जैसा शेप आता है। तो ये चीज सब में आपको देखने को मिलेगा। प्राइसिंग की बात करें ना, तो थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगा, क्योंकि 2-3 फ्लोर्स इस ब्रांड में है। पहली तो ये कंपनी के टी-शर्ट के साथ आपको कोई भी टैग नहीं मिलता, प्राइस टैग नहीं मिलता, क्वालिटी टैग नहीं मिलता। साथ ही अंदर में कौन सा कॉम्पोजिशन, क्या फैब्रिक बना है, कैसे बना है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको नहीं मिलती। और अगर बात करें प्राइसिंग की, जो कि है 1900 के आसपास की, इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि टी-शर्ट बन रही है इंडिया में जनरली, तो इंडिया में बनी हुई चीज है, कितना भी मोटा फैब्रिक ले लो, कुछ भी कर लो भाई, इतना महंगा नहीं होना चाहिए। जब अपने देश में इतनी चीजें महंगी मिलने लगेगी ना, फिर लोग क्या करेंगे कि दूसरे ब्रांड की चीजें खरीदेंगे, जो कि बाहर से आती है, इंपोर्ट होती है। तो इंपोर्टेड चीज सस्ती मिल रही है, देश की चीज महंगी मिल रही है, यहाँ पे ना थोड़ा सा पटरी में ऊंच नीच आ जाता है, शेयर मार्केट गिरने लगता है। कमेंट में अटानी मत लिख देना, तू रोकेगा मेरे को। तो डेफिनेटली टी-शर्ट बहुत अच्छा है, प्राइसिंग बहुत ज्यादा महंगी मैं कहूंगा, प्रॉफिट भी देख रही कंपनी तो 1000-1200 तक रख देते ना, तो अमेजिंग हो जाता, या 1500 ही मान लो। अगर वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करके मैं इंस्टाग्राम में, टेलीग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, ऐसे और अमेजिंग फैशन वीडियोस देखने के लिए, जिसमें बहुत सारी मस्ती होती है। अभी के लिए बाय, जय हिंद, पीस।